गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं WWE अपडेट्स के बारे में, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रात को जो जैसे मैं 38 के नाइट 1 की प्रेडिक्शन वीडियो आ जाएगी तो भाई उसको यार देख लेना, और नाइट 2 की कल आ जाएगी। भाई गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले जैसे मैं 38 के स्टेज के बारे में, एकदम लेटेस्ट फोटो में भाई आ चुकी है स्टेज की, तो वैसे वीडियो को एंड तक देख लेना, स्टेज बता दूंगा। इसके अलावा सेथ रॉलिंस ने भाई और भी ट्वीट्स किए ताकि जो फैंस है वो और भी खुश हो जाए, फैंस के मजे ले रहे वो, तो कौन से सुपरस्टार के उन्होंने ट्वीट्स किए वो बताऊंगा। और बात करने वाले बेली और आस्का के रिटर्न अपडेट के बारे में, एकदम कन्फर्म हो चुकी है उनकी रिटर्न कब होने वाली है, तो गाइस सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो गाइस बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और अगर मैं चैनल पे नया आया हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, चैनल पे आपको WWE से रिलेटेड न्यूज अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के मार्केटों को स्टार्ट करते हैं। गाइस बातों को शुरू कर लेते हैं आस्का और बेली के रिटर्न अपडेट के साथ। अगर PW इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है कि जो आस्का और बेली जो है वो डैलस टेक्सास में ही है, वहीं इवेंट में होने वाली, जैसे मैं तो नहीं आएगी लेकिन मुझे लगता है कि या तो अगला रॉ में आएगी, अगले रॉ में ही आ सकती है, क्योंकि अगर वो डेलर टेक्सास में तो जैसे मैं देखना तो आई नहीं है, वो रॉ में अपना रिटर्न करने वाले, तो दोनों में से कोई एक ना एक आपको जरूर है ना रॉ में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और वैसे दोनों मेडिकली क्लियर और दोनों रिटर्न करना चाहती है। भाई कैसे आपको क्या लगता है कहाँ पर रिटर्न कर सकती है, कमेंट से जरूर बता देना। बात कर लेते हैं बॉबी लेशली के बारे में, तो बॉबी लेशली जो है फेस हो चुके, वो हील नहीं रहे, वो बेबी फेस हो चुके, क्योंकि उनको रोस्टर की जो लिस्ट होती है उसमें फेस टर्न में डाल दिया गया है, जो फेस सुपरस्टार की लिस्ट होती है वहाँ पर उनको लिस्ट किया जा रहा है, तो भाई वो बेबी फेस हो चुके। वैसे बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के ट्वीट्स के बारे में, आपसे जानते हो कल मैंने आपको 6 ट्वीट्स दिखाए थे भाई वो अलग अलग सुपरस्टार के, लेकिन आज और ट्वीट्स के, वो ट्वीट्स है एलायस का और एक AEW सुपरस्टार है, फिर भाई एक गोल्डबर्ग है, लेकिन उसके अलावा जो दो नाम है वो बड़े शॉकिंग है, आस्का और बेली का नाम उन्होंने टीज किया है। और इसके साथ साथ भाई उन्होंने विंस मैकमैन का नाम भी ट्वीट किया है, मतलब GIF ट्वीट किया। तो भाई सेथ रॉलिंस कहना क्या चाहते हैं यार ये बता दो, कि हम सबको पता है भाई कोडी रोड्स आने वाले हैं। भाई कैसे आपके थॉट्स इनके ट्वीट्स पर कमेंट्स जरूर बता देना। कैसे बात करते हैं रोंडा राउजी के बारे में, तो कहते WWE ने जो अपना ऑफिशियल जेंडर रिलीज करती है रोंडा राउजी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के साथ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा अगर ये जेंडर रिलीज कर दी तो क्या ऐसे में हारने वाली है, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो तो 38 में पता चल जाएगा, मतलब ऐसे मैं 38 में। भाई कैसे आपको कैसे लगी रेंडा कमेंट जरूर बता देना। बात कर लेते भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो रैंडी ऑर्टन जो हाल ही में इंटरव्यू पर गए थे, इंटरव्यू में ये बात रिवील करते हैं कि जो NXT के सुपरस्टार है उनको यार अपने ओपोनेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना वो चीज़ नहीं पता है। आप सब जानते हो WWE में कोई भी जो मूव एग्जीक्यूट होता है तो वो भाई दोनों को देख के किया जाता है, मतलब सुपरस्टार और उसके ओपोनेंट दोनों मिलकर उस मूव को परफॉर्म करते हैं ताकि भाई ओपोनेंट को भी कुछ ना हो, लेकिन NXT में ये चीज़ नहीं होती, ऐसा रैंडी ऑर्टन का कहना है। आपके क्या थॉट्स इस पर कमेंट जरूर बता देना। बात कर लेते नेक्स्ट हमारे अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी जैसे मैं 38 के स्टेज। देखो भाई कल जो स्टेज की कुछ फोटोज निकल के आई थी, लेकिन भाई मैंने सुबह तक वेट किया और अभी और फोटोज निकल के आ चुके हैं, तो कल वाली और आज वाली दोनों दिखा देता हूँ। आपने सुबह देख पाएंगे एक एक करके फोटो भाई स्टार्स लगे हुए, जो स्क्रीन होती है ना रिंग के ऊपर जस्ट जहाँ से यार ऑडियंस बैठ के देखते, तो वहाँ पे भाई स्टार के शेप में होने वाला है और बाकी जो है राउंड शेप में होने वाला है। ये तो हो गया भाई ऑडियंस के देखने का, तो ऑडियंस तो स्टार से देख लेगी, और भी स्टार्स लगेंगे अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन बाकी, लेकिन जितना हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई जो एंट्रेंस होने वाली सुपरस्टार की आप देख सो, तो बड़ी सी वीडियो वॉल लगी हुई है और बीच में वहाँ पे स्टार लगे हुए, मतलब जो जैसे मैं 35 की वीडियो वॉल लगा दी उतनी बड़ी नहीं हुई, थोड़ी उससे छोटी होगी, और भाई बीच में जो स्टार लगाया ऐसा ही मुझे कुछ लगा था कॉन्सेप्ट, और ऐसा ही है एकदम कंफर्म फोटो। और भाई आज शाम तक तो जो WWE है पूरा स्टेज रिवील भी कर देगी, तो वो भी आपको बता दूंगा। भाई कैसे अब तक आपको स्टेज कैसा लगा कमेंट से जो बता देना। इस वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलता हूँ किसी नए अपडेट से, आज तक टेक केयर।